सो वेल दोस्तों, व्हाट्सएप आईडी कैसे बनाएं? क्या आप व्हाट्सएप में अकाउंट नहीं बना पा रहे हैं? क्या आपको भी व्हाट्सएप में आईडी बनाने में किसी भी तरह की समस्या हो रही है? तो आज हम आपको इस वीडियो में व्हाट्सएप की आईडी कैसे बनाएं, व्हाट्सएप में अकाउंट कैसे बनाएं, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। यहाँ पर से सबसे पहले आपको करना क्या है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा ए टू जेड प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर आप लोग अपने पुराने व्हाट्सएप को नए फोन में लाना चाहते हो तो वो कैसे करेंगे, साथ ही अगर आपने कोई नया फोन लिया है और उसमें आप नए नंबर से अपने व्हाट्सएप का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे, तो चलिए यहाँ पर से वीडियो शुरू करते हैं। सो वेल दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल क्रेजी टेक सॉल्यूशन। चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आ जाना है और यहाँ पर से आपको सर्च करना है व्हाट्सएप। तो जैसे आप लोग यहाँ पर से व्हाट्सएप सर्च करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर से इंटरफेस शो हो जाएगा, व्हाट्सएप मैसेंजर, जो कि यहाँ पर से मैंने बीटा वर्जन करके रखा हुआ है। और दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर से बीटा वर्जन ज्वाइन करना नहीं आ रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो के जस्ट बिफोर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है आप सभी लोगों के लिए कि कैसे हम बीटा वर्जन को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके फायदे भी बहुत हैं, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। वैसे मैं आपको सिंपली से बता दूँ, बीटा वर्जन ज्वाइन करने से जो भी आपके व्हाट्सएप में नए अपडेट, नए फीचर्स हैं, वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। इसके बाद सिंपल एंड्रॉयड यूजर्स के लिए जाते हैं, उसके बाद ही जो भी सिंपल व्हाट्सएप आप यूज़ कर रहे हैं उनको मिलता है 2 से 3 महीने बाद। अब यहाँ पर से आपको प्ले स्टोर में सर्च करके आ जाना है। अब आपको इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन कीजिएगा। तो जैसे आप इसे पहली बार ओपन करेंगे तो कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर से दोस्तों, मैंने एक नया फ़ोन लिया हुआ है और इस फ़ोन में मैं अपने नए नंबर से व्हाट्सएप बनाना चाहता हूँ। तो ये मैं आपको प्रोसेस बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो यहाँ पर से आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब आपका जो भी लैंग्वेज है आप लोग यहाँ पर से सिलेक्ट कर लीजिएगा, इंग्लिश हिंदी। तो यहाँ पर से मैं इंग्लिश सेलेक्ट रहने देता हूँ और यहाँ पर से एरो वाले डायरेक्शन देख लीजिए, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर से देख सकते हो वेलकम टू व्हाट्सएप आ चुका है। और यहाँ पर से आपको एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पर से सिंपली से एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हम लोग यहाँ पर से क्लिक कर लेते हैं। अब आप लोग यहाँ पर से देख लीजिए, इंटर योर फ़ोन नंबर। अब आपको यहाँ पर से इंडिया से अगर आप हैं तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, तो आप लोग कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप लोग यहाँ पर से इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर से इंडिया से हूँ तो मैंने यहाँ पर से इंडिया सेलेक्ट करके रखा हुआ है। और यहाँ पर से जो भी आपका फ़ोन नंबर है आपको यहाँ पर से इसे एंटर कर लेना है। तो यहाँ पर से मैं अपना फ़ोन नंबर को एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर से मैंने अपना फ़ोन नंबर को एंटर कर लिया है और नीचे नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, अब यहाँ पर से देख सकते हो यू इंटर द फ़ोन नंबर, जो कि मैंने इसे हाइड करके रखा हुआ है। और अगर आपने फ़ोन नंबर गलत दबाया है तो आप इसे एडिट कर सकते हो, लेकिन जो भी आपने फ़ोन नंबर दिया है वो बिल्कुल सही है, तो ओके वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर से क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे आप लोग फ़ोन नंबर को एंटर करोगे तो कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर से आप लोग कॉल के द्वारा अगर आप लोग ओटीपी लेना चाहते हैं तो कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर से SMS के जरिए ओटीपी लेना चाहते हैं तो आप लोग SMS कर सकते हैं। तो यहाँ पर से मैं वेरीफाई विथ SMS पे क्लिक करूँगा। अब मेरे SMS में एक OTP आएगा जो कि मुझे उसे एंटर करना है। तो देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक से यहाँ पर से एंटर हो चुका है। आप लोग के फ़ोन में ऑटोमेटिक से एंटर नहीं होता है, आप लोग यहाँ पर से SMS में जाइए, वहाँ से OTP को देखिए और यहाँ एंटर कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर से कुछ एक्सेस मांगेगा, आपको इसे अलाउ करना है। तो आपको सबसे पहले कॉन्टेक्ट को अलाउ करना है, हम इसे अलाउ कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर से फोटोज एंड मीडिया का बोल रहा है, आपको इसे अलाउ कर देना है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसे अलाउ कर सकते हैं। अब ये जो मेरा फ़ोन नंबर है बिल्कुल नया फ़ोन नंबर है, इसलिए यहाँ पर से रीस्टोर का ऑप्शन नहीं मांग रहा है। अगर आपने जो पुराना फ़ोन नंबर है अगर आप उसी का यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर से रीस्टोर का ऑप्शन भी आ जाएगा। इससे आप अपने पुराने व्हाट्सएप के चैट्स, मैसेज, फ़ोटोज़ को आप पूरे नए फ़ोन में ले सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं। तो ये मेरा नया फ़ोन नंबर है इसलिए मुझे यहाँ पर से रीस्टोर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब मुझे यहाँ पर से करना क्या है, अपना नाम लिखना है और नाम के साथ साथ मुझे यहाँ पर से फ़ोटो लगाने का भी ऑप्शन आ रहा है,
जो कि मैं इसे बाद में लगा लूँगा। पहले मैं अपने यहाँ पर से नाम लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर से पहले मैं नाम लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर से मैंने अपना नाम लिख लिया है और आप यहाँ पर से इमोजी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर से इमोजी ऐड करने का मन करे। तो यहाँ पर से स्पेस देते हैं और एक इमोजी को हम लोग यहाँ पर से क्रिएट कर लेते हैं। तो कुछ भी आप इमोजी को, जो भी आपको इमोजी पसंद है, आप इसे लगा लेना और आपको यहाँ पर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर से देख सकते हो ये आ चुका है स्टार्ट अ चैट। अब मुझे किसी से भी बात करना है तो यहाँ पर से इस पर मुझे क्लिक करना है और यहाँ पर से देख सकते हो ये मुझे एक मिला हुआ है। अब मैं इस पर हाय भेज सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर से किसी से भी बात कर सकता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ से मैंने अपना व्हाट्सएप जो अकाउंट है वो मैंने बहुत ही इजी तरीके से क्रिएट कर लिया है, अपना अकाउंट बना लिया है। आप लोग को देखने को मिल रहा होगा स्टेटस का भी ऑप्शन आ चुका है, कॉल्स का भी ऑप्शन आ चुका है। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर से सारी सुविधा मिल जाती है। अगर आपको यहाँ पर से थ्री डॉट पे क्लिक करके सेटिंग्स पे जाना है तो आप लोग जा सकते हैं और अपनी डीपी लगा सकते हैं। डीपी लगाने के साथ अपना नाम चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर से और भी सेटिंग्स मिलती हैं। अगर आपको वो सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक एम है 100। अगर आप लोग 100 लाइक कर देते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप के टिप्स एंड ट्रिक्स, वो सारे फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।